नमस्कार, जनसाथी न्यूज में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद की स्थिति। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से फिर मौका दिया है। तोमर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और विश्वास किया है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार मानता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी मैं आभारी हूँ, साथ ही क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बार भी मैं उनके बीच में आ रहा हूँ। क्षेत्र के लिए जो विकास कार्य मैंने किए हैं, मैं जनता के बीच उन्हें लेकर जाऊँगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ग्वालियर एक औद्योगिक नगरी बने, इस बात को लेकर भी मैं जनता के बीच जाऊँगा। कांग्रेस के मोदी जी पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए वो अनर्गल बातें ही करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। जीत को लेकर उनका कहना था कि हजारों मतों से मैं जीत हासिल करूंगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व का प्रदेश नेतृत्व को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस सेवा पर विश्वास व्यक्त किया है, और मैं ग्वालियर की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। और ग्वालियर की जनता सेवा और विश्वास, सेवा और विकास पर चुनाव जीतेगी, ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस के पास कोई आरोप का आधार नहीं है, वो तो सिर्फ बरगराने, जनता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जनता जनार्दन पहले से ज्यादा मतों से चुनाव जीते। जनसार्थी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।